फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हेवन, पार्ट ऑफ अन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे। और आज ही जो सेशन है, स्पेशल सेशन, जिसमें आप लोगों के फेवरेट एजुकेटर्स आते हैं और बात करते हैं एक शानदार मुद्दे के ऊपर जो आप लोगों से ही रिलेटेबल होता है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भी पेंडेमिक COVID-19 फैला हुआ है और उसके बाद दो बार लगातार लॉकडाउन लग चुका है, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में, और किस तरह का इंटरेक्शन हुआ है टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स के बीच में। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुके हैं खुशबू मैम और चेतन सर। तो सबसे पहले खुशबू मैम, आपका स्वागत है, और कैसे हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। और अब चलते हैं चेतन सर के पास। चेतन सर, वेलकम टू साइंस हेवन। हेलो खुशबू मैम, हेलो अमृता मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का बुलाने के लिए मुझे, और आप सभी स्टूडेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चेतन सर की तरफ, और जो अपने विचार इस बारे में बताएंगे कि क्या क्या निगेटिव पॉजिटिव किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, और इस चीज से उबरने के लिए, क्योंकि देखिए डिस्कशन हर कोई करता है पर सॉल्यूशन के ऊपर भी हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सारा ओवरऑल हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और उसके फिर किस तरीके से कंक्लूजन जिसको हम इजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और मतलब कार्यान्वित कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन की ओर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं चेतन सर की तरफ। थैंक यू मैम, आपने मौका दिया बोलने का। देखिए मैम, अगर बात करें कि बिफोर कोरोना, मतलब कोरोना से पहले इंसान का जो जीवन था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था, बहुत सारी चीजें बिल्कुल अलग थी, जैसे कि हमारे रहने का तरीका, जीने का तरीका, बाहर घूमने का तरीका, ऑफिस में वर्क करने का तरीका, वो सभी चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। इवन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो भी बिल्कुल अलग था, मगर अब बहुत सब चीजों का बदलाव आ चुका है आफ्टर कोरोना। अगर आफ्टर कोरोना हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूलिंग भी अब मैक्सिमम ऑनलाइन ही हो गई है, कि क्लासेस भी ज्यादातर ऑनलाइन रहती है। इसके अलावा अगर हम अपने बात करें तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन ही हो गई हैं, बट जो मेन फोकस है मेरा, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेन मेरा फोकस है इसमें, वो है एग्जाम, कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। देखिए जितना हमें लगता है कि एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, और एग्जाम कंडक्ट करवाने में थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखे जाएंगे, जैसे कि अगर एक रूम में पहले 100 स्टूडेंट्स बैठ पाते थे तो अब मैक्सिमम उसी एक रूम में हो सकता है कि 50 के आसपास स्टूडेंट बैठ पाए, और हो सकता है कि ऐसा भी बोल दिया जाए कि भाई जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए आएगा वो वैक्सीनेट होकर ही आए, तभी उसको एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जाएगी। जैसे कि पहले एग्जाम होते थे SSC के, रेलवे के, उन एग्जाम्स में एक हमें परमिट, मतलब एडमिट कार्ड लेकर जाना होता था, इसके अलावा हमें आधार कार्ड लेकर जाना होता था, पैन कार्ड, कोई भी अपना एक प्रूफ लेकर जाना होता था। उसी प्रकार से हो सकता है कि अब जब एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए तो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है, वैक्सीनेट हम हो रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी शायद हमें लेकर जाना पड़े। इसीलिए ये चेंजेस तो आएंगे आफ्टर कोरोना, जो मैक्सिमम चेंज होंगे एग्जाम को लेकर, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो मेरे हिसाब से मेन चेंज यही होगा कि अब आपको आधार कार्ड के साथ, अपने एडमिट कार्ड के साथ, हो सकता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़े। मगर ये मेरी अपनी राय है, मेरी पर्सनल राय है, मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा, बट मेरी व्यक्तिगत राय है कि उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। और सभी को हो सकता है कि भाई मास्क लेकर जाना पड़े, वो तो कंपल्शन हो गई, इसके अलावा सैनिटाइजर भी लेकर जाने होंगे, और बाकी क्या चीजों में चेंजेस आएंगे वो देखने वाली बात होगी। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, कि आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं आफ्टर कोरोना, और बिफोर कोरोना कैसा था इस देश में एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका। ओवर टू यू मैम, अमृता मैम। हाँ, मैं बताती हूँ, पर पहले हम चलते हैं खुशबू मैम के पास। खुशबू मैम, आपको क्या लगता है कि COVID-19 से पहले, यानी कि मेनली जो हमारा फोकस है वो है लॉकडाउन के ऊपर, कि देखिए कोविड से निकलने में हमें अभी समय लगेगा, लेकिन लॉकडाउन जिस तरीके से लग रहा है तो बच्चों की पढ़ाई में उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि किन किन चीजों को उनको फेस करना पड़ रहा है, या फिर आगे जाके उनको क्या फेस करना पड़ सकता है, या फिर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो हमारा पूरा जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने में, या एजुकेशन का जो पूरा एक तरह से पैटर्न है उसमें किस तरह का चेंज आया है। बिल्कुल मैम, यहाँ पर बेसिकली मैं टारगेट करूंगी, देखो चेंजेस तो लाइफ में देखे तो सभी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, लाइफ एकदम डिफरेंट फेज में पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे।
और एजुकेशन में भी मैं सिर्फ उन बच्चों को नहीं बोलूंगी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो अकेडमिक में रहे हैं, उनकी लाइफ में भी काफी चेंजेस आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन किसी स्कूल में होती थी या फिर वो ट्यूशन जाते थे, लेकिन अब उनको एकदम से ऑनलाइन पढ़ना उनके लिए काफी टफ रहा है। लेकिन धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो बच्चे फैमिलियर हो रहे हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर लोगों को मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि सिटीज में तो इजिली सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है वहाँ नेटवर्क इशू होता है और बहुत सारी समस्याएं वहां पर देखने को मिलती है। और स्कूल के बच्चे हो गए, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो बोर्ड एग्जाम थे वो लगातार कैंसिल होते रहे हैं और अभी भी कैंसिल ही हो चुका है, और इसकी वजह से मतलब देखा जाए तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इश्यू पड़ता है, क्योंकि एक मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि एग्जाम होगा तो हमें ये स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है, साथ ही के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अब देख रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से बहुत लंबे टाइम तक एक टारगेट सेट करके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टाइम डिसाइड होता है तो बच्चे के मन में भी स्ट्रेटजी होती है कि इस तरीके से बनाकर हम इतने टाइम में इस चीज को कवर करते हुए चलेंगे, जो कि अब धीमे धीमे हमें बदलती हुई नजर आ रही है। अनलॉकिंग शुरू हो गई है तो बच्चों के दिमाग में अब सेट होता जा रहा है, और हमने अभी हाल ही में देखे कि कुछ नोटिफिकेशंस भी हम लोगों ने देखे आ चुके हैं, जिसको टारगेट करते हुए बच्चे अब अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे और आगे की प्रिपरेशन जो है उसको भी बहुत अच्छे से कर देंगे। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों को आगे भी देखेंगे, क्योंकि अब जो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी से दूर थे, मेरे लिए तो ये पॉजिटिवली मैं कहूंगी कि बच्चे जो टेक्नोलॉजी से थोड़े बहुत जो जुड़े हुए थे उनका जो एक क्राइटेरिया है वो काफी बढ़ गया है, और एक हमें क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एजुकेशन पे खास तौर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है जो कि बच्चों को और सारी चीजें भी सीखने को मिलेंगी और सभी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू जी मैम। अब हाँ, मेरे हिसाब से देखिए दोनों बातें हैं, कोई पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सबसे फर्स्ट हम ये चलते हैं कि पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करते हैं तो जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ है। पहले अगर आप टीचर के बारे में बात करते थे, जैसे ऑनलाइन टीचर्स वो काफ़ी स्टेप मतलब आते थे और पढ़ाते थे और चले जाते थे, इंटरेक्शन ऑनलाइन पहले उतना नहीं हो पाता था, पर अब मैंने देखा है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव लेकर के आ रहे हैं। खासतौर से अगर हम अपने ही अनअकैडमी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ करके आ रही है। तो जैसे कि पहले ही होता था कि नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कितनी बातें समझा पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये बातें हमें पता नहीं लगती थी। लेकिन अब जैसे हम लोगों ने डाउट सेशन वगैरह शुरू किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम एक एक पर्सन तक पहुंच पा रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मनी का इशू होता है, वो भी यूट्यूब से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और साथ में आप यह देखेंगे कि जो बच्चा होता था, अगर मान लो कि क्लास चल रही है और वह उस टाइम पे क्लास नहीं ले पा रहा है तो वो चैप्टर उसका छूट गया, वो टॉपिक उसका छूट गया, तो उसको आगे का पढ़ने में रिलेटेबल स्टडी वो नहीं कर पा रहा था रिलेट करके। तो अब ये ऐसा है कि वो बाद में भी वीडियोस देख सकता है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है कि अपने जब उसको टाइम मिल रहा है तब वो आसानी से देख सकता है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, पर इसके साथ साथ देखिए निगेटिव बात यही है कि मेंटल इशू, जैसा कि आपने कहा कि मेंटल इशू से होकर के बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, या फिर मेरा कहना है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे कि वो पढ़ने के लिए बैठते हैं पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यूट्यूब के अंदर है कि वो कहीं के कहीं और पहुंच जाते हैं, मतलब पढ़ना जो पढ़ना चाहिए उसके अलावा कहीं और चले जाते हैं। एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है, आईज का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर इसके लिए ये भी है कि हाँ, इसके लिए हम कुछ साथ में, जैसे जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए, और टाइम टेबल बनाने में हम उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं ताकि उनको मेडिकल इश्यूज थोड़े से कम हो। तो लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद मुझे यही लगता है कि जो डिजिटल चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये यूज़फुल हैं। तो इंसान जो है, ह्यूमैनिटी जो है, मतलब बार बार कोई ना कोई हर्डल जरूर आता है उसके सामने,
मगर वो उससे बाहर निकलने के लिए हमेशा रास्ता बना लेता है। तो हम भी कोविड से बाहर निकलने के लिए रास्ता बना रहे हैं। इससे 100 साल पहले भी एक इससे पहले भी बीमारी आई थी 100 ईयर्स पहले, उस समय देखा जाता था कि जो बिल्डिंग्स होती थी वो बिल्डिंग्स छोटी छोटी होती थी, मगर उसके बाद बिल्डिंग्स जो है वो फ्लोर वाइज बनना शुरू हो गई। तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस जरूर देखे जाएंगे कोविड महामारी के बाद, और एजुकेशन सिस्टम जो है वो तो मैं कंप्लीटली सोचूंगा शायद बदल ही जाएगा कि बहुत हद तक वो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे हम दूर बैठकर भी विद्यार्थी को ज्ञान दे सकते हैं और अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, और वो पढ़ भी रहता है और उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे जा रहे हैं। हम ही देखे, हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसे हमने पढ़ाया ऑनलाइन, वो बहुत सारे सिलेक्ट हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम अगर बदल रहा है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो तो पॉजिटिव वे में ही काउंट किया जाएगा। इवन अब बहुत सारे एग्जाम्स की डेट आती जा रही है, तो हम तीनों आप जानते हैं, मतलब जितना भी विद्यार्थी हमें देख रहा है इस समय, आप तीनों जानते हैं, हम तीनों को आप लोग जानते हैं कि हम अलग अलग श्रेणी के कैटेगरी के टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि अब अभी ये राइट टाइम है कि आप कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, और जल्दी से ही गवर्नमेंट जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि भाई कैसे काम होगा, कैसे वर्क होगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले रही है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि एग्जाम का पैटर्न बदला जाए, ऑनलाइन करवाने के ऑनलाइन जो करवा रहे उसमें भी कुछ बदलाव किया जाए। तो जल्दी ही कुछ और बड़े स्टेप्स आप देखेंगे डिजिटल एजुकेशन को लेकर। तो मेरी तरफ से तो मैम यही सजेशन है कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहे वो पढ़ने लग जाए, क्योंकि यही एक तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का, और इसी से आपको जॉब मिलेगी। जब इसी से जॉब मिल रही है तो जल्दी से जल्दी आप दोबारा से तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन भी अब अनलॉक हो गया है। जी बिल्कुल सर, और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे एक चीज और नोटिस की है कि काफी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे मैसेज आया था कि उनकी जो एज है वो है लगभग 35 प्लस, और जब वो किसी भी कॉलेज या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे पहले पढ़ने के लिए, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था संकोच वाला जो भाव होता है कि मेरी एज बहुत ज्यादा है और कैसे मैं 21 साल 25 साल के बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाई करूंगा या करूंगी। तो ऑनलाइन का मुझे सबसे अच्छा चीज यही लगा कि अगर किसी की पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है या फिर कोई ऐसा है जो कुछ स्पेशल करना चाहता हो लेकिन उस टाइम की परिस्थिति इस हिसाब से ना रही हो, टाइम उसको नहीं मिल पाया हो, लेकिन वो अब अपनी पढ़ाई जारी कर सकता है, वो अपने हिसाब से अपने एज के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे भी उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके मुझे। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी ज़रूरत होती है। बस आप अपने, अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं, डाउट सेशन के टाइम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव सेशन में आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट से मैं यही बात बोलना चाहूँगी कि आप डाउनलोड करके देखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके आप लाइव कनेक्ट होने की यहाँ पर कोशिश करिए। और मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि भाई टाइम एक जैसा नहीं रहता है ना, एक जैसा बिल्कुल टाइम नहीं रहता। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन रहेगा और हम पिकनिक बनाएंगे यहाँ पर बैठ करके, कि बस घर में आराम से बैठना है, पढ़ना है, थोड़े टाइम पे कभी किसी और की क्लास में चले जाना है, कभी किसी और थोड़ा सा कुछ और फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, यही सब करना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बच्चों, और लगभग 2.5-3 महीने बाद से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। आज भी नोटिफिकेशन, जैसा सर ने भी एक नोटिफिकेशन दिया होगा आप लोगों को काफी सारे एग्जाम्स का, वो सभी स्टार्ट यहाँ पर होने वाले हैं। तो ग्रुप डी SSC के लिए भी आप लोग कमर कस के बिल्कुल तैयार हो जाइए। साथ में मैं आपको बता दूं कि केवल पढ़ना 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 सिर्फ यही नहीं होता, पढ़ने के साथ आपको बीच बीच में यह भी चेक करना चाहिए कि वाकई में आप सही रास्ते में हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सही रास्ते में हो कि दौड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, आपको घर जाना है, आपको इंस्टीट्यूट जाना है या फिर आपको मार्केट जाना है, आपको ये पता ही नहीं है, बस आप दौड़ रहे हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, और उसको आप चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी के साथ। तो अपनी तैयारी के साथ अगर आपको चेक करना है तो आपको पता है कि अन अकेडमी वीकली आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट एक प्रोग्राम लेके आता है, कॉम्बेट लेके आता है, जो कि 12 बजे होता है। तो उसमें आप लोग जरूर जुड़िए, आप कोई भी कोड यूज कर सकते हैं किसी भी फेवरेट एजुकेटर का, फ्री रजिस्ट्रेशन भी होता है वहां पर, तो आप लोग जरूर उसको दीजिए। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे ना तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि आपकी तैयारी क्या है। दूसरी बात कि जब भी आपको थ्योरी क्लास कराई जाती है, थ्योरी क्लास में आप लोग जरूर आइए, क्योंकि फाउंडेशन बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कोई भी अगर आप बिल्डिंग बनाते हो ना तो उसमें सबसे पहले जरूरी होती है उसकी नींव, वो जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ही ज्यादा आपका बढ़िया सारी चीजें रहेंगी।
तो लॉकडाउन का जो असर आया है उसके ऊपर हम फिर से वापस आते हैं कि क्या पॉजिटिव रहा क्या निगेटिव रहा। तो एज अ कंक्लूजन यही है कि दोनों तरह की चीजें हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में ज्यादा रहा है, एजुकेशन के ऊपर काफी प्रगति रही है और नए नए चीजों को सीखने के लिए हम सभी को मौका मिला है। इनफैक्ट जो हम एजुकेटर्स हैं हमें भी काफी चीजें नई सीखने के लिए मिली हैं यहाँ पर, और इंटरेक्शन मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। एक एक बच्चे से हम यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। चेतन सर जी मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है और बहुत अच्छे से अब हम और अच्छी तरह जो भी हमारा कंटेंट है उसे डिलीवर कर पाते हैं ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम। पहले तो ये था कि कुछ स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता था हमारा कंटेंट, अब तो मिलियंस ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारा कंटेंट पहुंच पाता है इजिली। तो जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में भी बैठा है उस तक भी हम पहुंच पाते हैं, जो उनके मतलब बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस वो नहीं ले पाते थे, अब वो कहीं पर किसी भी जगह पर बैठकर बस उनके पास फोन होना चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए ऑनलाइन जो कि ऑलमोस्ट इस देश में सबके पास है, तो इजीली वो कहीं भी बैठ के हमारी क्लासेस देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी उनका फेवरेट एजुकेटर क्यों ना हो वो हर किसी के क्लासेस को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। अगर देखें कोविड, अगर बिफोर कोविड देखें तो भाई इतना बेनिफिट नहीं था, मगर आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं सभी का ये टारगेट रहा है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया जाए और वही हमारा भी मोटिव रहा है। बिल्कुल, मतलब ये है इन शॉर्ट कि जो भी हमारा जियोग्राफिकल बैरियर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यानी कि अगर हम कुछ भी सीखना चाहते हैं कहीं से भी सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। पर यहाँ पर हाँ मैम ओके, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनअकैडमी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर उन्होंने हर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो स्कूल के हों अकेडमिक के हों या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि वो घर बैठे मतलब जो टाइम उनके पास है, कुछ लोग कैसे भी हैं जो वर्किंग है उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर या तैयारी कर पाए, अब उनके लिए बहुत ईजी हो गया है कि वो आराम से कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं तैयारी कर सकते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए भी बहुत ईजी हो गया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी भी हैं इस दौरान, और ये सब चीजें मुझे पॉजिटिव ही लगती है एजुकेशन फील्ड में। नेगेटिव तो मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता है इशू, क्योंकि मनी प्रॉब्लम होती है, डाटा रिचार्ज कराना है या कुछ और दिक्कतें होती है, नेटवर्क इशू हो जाते हैं, बिजली नहीं है, तो ये सब चीजें उनको थोड़ा सा दिक्कत देती है, लेकिन होप कि उस चीज को वो लोग भी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। और अब क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी तक क्योंकि लॉकडाउन था तो हम आराम से पढ़ रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी बहुत बनाकर नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें पता है कि हमारा एग्जाम 15 डेज या 16 डेज में हो सकता है, तो अब हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिल्कुल तैयारी के साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाते हुए चलना है कि भाई देखो अब एग्जाम इतने टाइम में होना है और आपको इस सब्जेक्ट पर इतना इतना ध्यान देना है। तो ये जो बच्चों का लोड है वो बढ़ गया है क्योंकि बहुत आराम से लोगों ने पढ़ाई की है इस बीच में, कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में, लेकिन आप फोकस होकर आपको किसी ना किसी एक विषय को टारगेट करते हुए चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो। और बाकी देखो किसी दूसरी क्लास में भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज को यहाँ से समझने में इजी होता है, सबका मतलब बच्चों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो डेफिनेटली आप सबको बिल्कुल अपने आप को तैयार करना है। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है कि टाइम टेबल बना लीजिए और उसको लग जाइए, बाकी की नोटिफिकेशन से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सब तो हम सारे टीचर आपके साथ शेयर कर ही देते हैं। आज सर ने भी आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर किया है कि पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, तो बस इसी तरीके से मान के चलिए कि आने वाले जो एग्जाम है बैंकिंग के SSC के तो वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन हम जल्दी देखेंगे। हाँ जी सर, सॉरी इंटरप्ट करूंगा आपको, वैकेंसी नहीं एग्जाम डेट आ गई है मैम, 25 जून से एग्जाम है। हाँ मतलब एग्जाम डेट आ गई है, ओके सर। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बाकी अमृता मैम एंड करेंगी, मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला होगा कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, और ऑनलाइन मतलब जो भी हमारा भी प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले और कोविड के बाद कितना अंतर आया है चीजों में, और एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाएंगे वो किस तरीके से करवाए जाएंगे, उम्मीद करता हूँ वो भी आप सभी को समझ आ गया होगा। बाकी ओवर टू यू अमृता मैम, आप एंड कीजिए प्लीज। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा जिंदगी में कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, हमेशा नई चीजें सीखने का जोश होना चाहिए, तो
बहुत अच्छी चीज है, ये ऐसा टाइम है जिसमें हम कुछ नई चीजें सीख सकते हैं, आप लोग भी हम भी। और यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा है उसमें यही चीज है कि देखिए फाइनेंशियल इश्यू से लेके हेल्थ इश्यू से लेकर के ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको हम सभी ने एक्सेप्ट किया है। बट बात अगर एजुकेशन की हो तो एजुकेशन में बहुत ही हेल्पफुल इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा मौका मिला है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग रेगुलर क्लास यहाँ पर करिए, और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी इशू होता है, मैं जैसे हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाने में इशू है, अगर आपको टाइम टेबल बनाने में इशू है, या फिर आपको ये हो रहा है कि ऑनलाइन पढ़ने के बाद आपको आईज में पेन हो रहा है, या फिर बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस आप महसूस करते हैं, तो आप बेझिझक हमसे कह सकते हैं क्योंकि हम लोग सभी आप लोगों के साथ हैं यहाँ पर। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस जो होती हैं वो भी हम लोग बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात कर सकें जो हमारी हैबिट में आए, क्योंकि अगर हमारी हैबिट में आएगा तो वो रेगुलर होगा, और रेगुलर होगा तो फिर हम काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के लिए और अपने ज़िंदगी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो बस आज का हम यही पे सेशन रखते हैं, एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग आपस में कर रहे थे तो हमने सोचा कि स्टूडेंट्स को भी इसमें हम ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी भागीदार बनाते हैं। तो यही था, उम्मीद करती हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे हमसे बात करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके सिलेबस से रिलेटेडेबल हो, तो आप बेझिझक आप हमें यहाँ पर मैसेज करिए, कमेंट करिए। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।